कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, आज माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। अनाथ आश्रम व वृद्ध आश्रम खोलने की क्या आवश्यकता थी? अगर आज कलयुग का श्रवण अपने माता पिता की सेवा करता तो आज कहीं ना कहीं वृद्ध आश्रम खोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूँ आपका भाई नरसिंह प्रताप शिवानी और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कन्फ्यूज, फिलहाल शिवानी मंडी में आज वृद्ध आश्रम का उद्घाटन किया गया, जागवंती अनाथ वृद्ध आश्रम का उद्घाटन किया गया। उत्तर सिंह ठाकुर खेड़ा से उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की है और आज यहाँ पे हवन के साथ साथ भजन वाणी का प्रोग्राम किया गया और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पे जिला पार्षद मुकेश डालमिया पहुंचे, वह नवीन सुतप्रिया और अन्य बहुत से गणमान्य लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और कलाकारों ने यहाँ बढ़िया बढ़िया भजन वाणी सुना करके कलाकारों ने भी समावान आने में कोई कमी नहीं छोड़ दी। तो आइए दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें। इस प्रकार से यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया और यहाँ पर भजन वाणी का आयोजन किया गया और भाई ऐसा है गरीब लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो उत्तर ठाकुर द्वारा जागवंती जन कल्याण अनाथ वृद्ध आश्रम की जो वो शुरुआत की गई है। और वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर हो सके ज्यादा से ज्यादा आप इस आश्रम में अपना सहयोग दें, अपना योगदान दें, ताकि जो ऐसा है गरीब है, जो अनाथ बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग है जिनको उनके बच्चे जो घर से निकाल देते हैं या किसी भी कारणवश वो अपने घर नहीं रह पाते, तो कहीं ना कहीं आवारा सड़कों पर घूमने के बजाय वो यहाँ आश्रम में आके शरण ले सकते हैं। या बहुत ही अच्छी व्यवस्था इस आश्रम के द्वारा कर दी गई है, यहाँ पर रहने के लिए अच्छे हवादार कमरे व पानी व लाइट की व्यवस्था व अच्छे तरीके से शौचालय वगैरह की यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है और भोजन पानी की व्यवस्था कर दी गई है। साथ साथ आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हो, ये जन कल्याण जो ये वृद्ध आश्रम है इसके नंबर ऐसा सा चल रहे हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा है गरीब बच्चा या कोई ऐसा है बुजुर्ग आपको दिखाई दे तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बाकायदा इनकी गाड़ी आएगी, आपके कोई किराया भाड़ा कुछ लगने वाला नहीं है, आपके बताए हुए पते पर इनकी गाड़ी आएगी और जो है वो उसको लेकर के चल जाएगी और वृद्ध आश्रम में उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी। और भाई अगर आपको अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई दिखाई दे ऐसा है तो आप उसको वृद्ध आश्रम में छोड़ के भी जा सकते हो, आपका गाड़ी का जो भाड़ा किराया लगेगा ये वृद्ध आश्रम वाले आपको तुरंत मुहैया करा देंगे। तो आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से मुकेश डालमिया आए और उन्होंने अपने विचार साझा किए, किस प्रकार से कलाकारों ने यहाँ भजन वाणी के माध्यम से जो है वो आयु जनता को रिझाने का काम किया और किस प्रकार से जो पूरा कार्यक्रम रहा। आइए दिखाते हैं आपको वृद्ध आश्रम के कार्यक्रम की कुछ झलकियां। एक बात सोचने की है कि हमें ऐसे आश्रमों की, ऐसे अनाथालयों की जरूरत क्यों पड़ते हैं? और जहां तक मैं समझता हूं ये वास्तव में इनकी जरूरत है या ये हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों के पतन का प्रतीक है? आज जगह जगह अनाथालय खुल रहे हैं, वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, क्योंकि जमाना बदल गया है। और जैसा अभी हमारे मास्टर जी ने बताया कि कलयुग की आवाज चल रही है और बेटा बाप को ठोकर मार रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसे हमें समझना होगा ऐसा क्यों होता है। शायद हमारी शिक्षा में कमी है कि शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। आज का इंसान मतलबी हो गया है, वो अपने मतलब के अलावा कुछ नहीं देखता, इंसानियत खत्म हो गई है। तो जरूरत है आज मानवीय मूल्यों की, संस्कारों की, धर्म की, मानवता की, इन सब बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बाकी ये एक अच्छी शुरुआत है और जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, गौशाला है, अनाथालय है, वृद्ध आश्रम है, उन्होंने उन लोगों के दर्द को समझा है जिन्हें अपनों ने ठुकराया है। तो making moves like a ninja, I could play it cool like I'm winter, I can make it rain like a cash tsunami, you wanna slip and slide, we can link up, working all the time, make it duller, be a student tie to make a dollar, wanna live life like I'm on vacation, gotta get those good vibrations.